इसमें जिहादी लोग हैं और समीकरणवादी लोग हैं। जो युवा है जिसके शरीर में जज्बा है कुछ करने की, देश पर मर मिटने की, वो सारे युवा खुश हैं। जो लोग भी अग्निपथ योजना का विरोध कर रहे हैं वो सभी जिहादी हैं। जी हाँ, ये बात कर रहे हैं बीजेपी के विधायक हैं हरिभूषण ठाकुर बचौर। मीडिया ने जब सवाल किया कि अग्निपथ योजना पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है, तो उन्होंने कहा कि जो लोग भी अग्निपथ योजना का विरोध कर रहे हैं वो जिहादी लोग हैं। जरा सुनिए हरिभूषण ठाकुर बचौर को क्या कुछ कह रहे हैं। इसमें जिहादी लोग हैं और समीकरणवादी लोग हैं। जो युवा है जिसके शरीर में जज्बा है कुछ करने की, देश पर मर मिटने की, वो सारे युवा खुश हैं। निश्चित जानबूझ के कराई जा रही है। ये सेना का नौकरी नहीं है, देश सेवा है। जिसमें हिम्मत है यह सर देके होते हैं सौदा। देशभक्ति सस्ती चीज नहीं है, यहाँ सर देके सौदा होता है, शपथ ही लिया जाता है जो हम मरेंगे। लेकिन यहाँ सुख सुविधा और जो खोजना चाहते हैं वैसे लोगों को सेना में आवश्यकता नहीं है। हम एक मौका दे रहे हैं, 6 साल में मिथिला यूनिवर्सिटी में बीए की डिग्री मिलती है। हम 4 साल में ट्रेंड भी करेंगे, पैसा भी देंगे। यहाँ तो आईटीआई का डिग्री लोग खरीदता है, इंजीनियरिंग का डिग्री डोनेशन देकर के लोग जाते हैं। मैं ट्रेंड भी करूँगा, पैसा भी दूंगा, अन्य रोजगार में रिजर्वेशन भी दूंगा। इतने सुंदर व्यवस्था पर अगर लोग प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं तो फिर ये तो डिस्कशन का बात है। तो आपने सुना, उन्होंने कहा कि जो लोग भी अग्निपथ योजना के विरोध में, वो सभी जिहादी प्रवृत्ति के लोग हैं। उन्होंने कहा कि सरकार इतनी अच्छी स्कीम लेकर के आई है, इतनी अच्छी योजना लेकर के आई है, इतना अच्छा जो है सेना में भर्ती को लेकर के आया गया है, 4 साल की ट्रेनिंग रहेगी आपको, एक तरीके से तैयार किया जा रहा है आपको। यानी कि हरिभूषण ठाकुर जो बीजेपी के विधायक हैं, उन्होंने ये बयान दिया है, जिसके बाद से बिहार में नई राजनीति और नई सियासत जो है वो शुरू हो गई है। हरिभूषण ठाकुर बचौल अक्सर अपने बयानों से चर्चा में रहते हैं। एक बार फिर से उन्होंने अग्निपथ योजना को लेकर के एक नया बयान देते हुए नया जो राजनीति गर्मी है वो बढ़ा दी है। बता दें कि आज भारत बंद भी है अग्निपथ योजना के विरोध को लेकर के, लेकिन पटना जैसे कई जगहों पे भारत बंद का जो है वो असर नहीं देखने के लिए मिल रहा है। और उधर राजनाथ सिंह ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि ये योजना वापस नहीं ली जाएगी। लगातार कई लोगों के साथ इनकी प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। बीजेपी के जितने सारे लोग हैं वो अपने अपने तरफ से प्रतिक्रिया देते हुए नजर आ रहे हैं कि अग्निपथ योजना दरअसल है क्या। इसी बीच में हरिभूषण ठाकुर बचौल का ये बयान कहीं ना कहीं एक नई राजनीति की सुगबुगाहट है। पर आप देखते रहिए NBC 24, और जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पेज को लाइक कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।